में भी, और अगर पेरेंट्स का भी सेम है या किसी और बैंक में है तो उसका आईएफएससी कोड देना है। इसके अलावा यहाँ पे आपको बैंकर वो डालना है, बैंक ब्रांच ये डालना है, अकाउंट टाइप चूज करना है, जैसे अकाउंट टाइप में आपका सेविंग अकाउंट हो सकता है, करंट अकाउंट हो सकता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट इंटरेस्ट लायबिलिटी। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है लोन पाव यूट्यूब चैनल पे, और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर आप लोग कैसे जो है यहाँ पे एजुकेशन लोन को अप्लाई कर सकते हो, और वो भी बैंक ऑफ इंडिया से। जैसे कि आपको पता है कि बैंक ऑफ इंडिया में आपको रिसेंटली वीडियो मैंने दी थी जहाँ पे आपको बताया था चालू खाता आप लोग कैसे खोलोगे, और वहाँ पे हमने सिल्वर करेंट अकाउंट के ऊपर बात किया था। अगर आपने उस वीडियो को अब तक नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें, आपको जो है लेटेस्ट वीडियो में वो जो है इस चैनल पे जाके मिल जाएगी। फिलहाल हम जो बात करेंगे वो करेंगे यहाँ पे हम लोग कैसे कि आप लोग एजुकेशन लोन अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। आपको मैंने स्टडीज इन इंडिया से रिलेटेड ऑलरेडी इसी चैनल पर वीडियो देखा है कि बैंक ऑफ इंडिया से स्टार एजुकेशन लोन स्टडीज इन इंडिया जो है कैसे जो है वो एजुकेशन लोन अप्लाई कर सकते हो, और वो भी ऑनलाइन, यानी स्टार एजुकेशन लोन स्टडीज इन इंडिया के लिए। अब हम बात करेंगे स्टार एजुकेशन लोन बट स्टडीज इन अब्रॉड के लिए कि आप इस लोन को कैसे आवेदन कर सकते हो, और सेम प्रोसेस होगा, मेथड जो है वो ऑनलाइन ही होगा, बस यहाँ पे जो आपका कंट्री है वो अलग हो सकता है, तो इसके हिसाब से कोर्स वगैरह के सिलेक्शन, सब्जेक्ट सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें अलग हो सकती है। आपका लोन अमाउंट जो है, आपका टेन्योर हो सकता है, वो सब चीज़ें अलग हो, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन वाइज होगी उसके अंदर कुछ एक दो चीज़ें एड ऑन हो सकती है, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिमिलर ही होगी। तो कैसे जो है बैंक ऑफ इंडिया से स्टार एजुकेशन लोन स्टडीज इन अब्रॉड को आवेदन करेंगे, वो भी ऑनलाइन, इस प्रोसेस को समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहें और आपको सभी कुछ जानकारी मिल जाएगी। अगर आप लोग भी विदेश में पढ़ाई करना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपको एजुकेशन लोन जो है आपको मिल पाए, और आप लोग जो है फॉरेन कंट्रीज में भी अच्छे से जो है अपनी हायर स्टडीज को कंप्लीट कर सके। बाकी वीडियो पसंद आती है तो लोन पाओ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि आप लोग को लोन क्यों चाहिए, और वो भी स्टडीज इन अब्रॉड के लिए, कि आप लोग फॉरेन में जाके स्टडीज करना चाहते हो तो कौन से कोर्स की कर रहे हो, आप हमें कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। शुरू करते हैं वीडियो को। अब देखो स्टेप्स, प्रोसेस तो खैर सबको पता ही होता है, बहुत कॉमन सा होता है। टाइटल पे आपको सिंपली क्लिक करना होगा, जिसके अंदर आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वेबसाइट लिंक, इस पर आपको करना है क्लिक। ये आप लोग वेबसाइट लिंक पे क्लिक करेंगे सीधा पहुंच जाएंगे योजना पॉलिसी डॉट कॉम की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ आ जाने के बाद आपको सबसे पहले करना क्या है कि यहाँ पे आपके सामने जो है मेन्यू बार का ऑप्शन दिखेगा, लेफ्ट साइड पे इस पे जाना है, क्योंकि आपको इसके अंदर एजुकेशन लोन का आवेदन करना है तो कैटेगरी के अंदर अभी आपको एजुकेशन लोन का ऑप्शन मिल ही जाएगा, तो इस पर भी आप टाइप कर सकते हो। यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे आपको सबसे टॉप पर मिलेगा बैंक ऑफ इंडिया से एजुकेशन लोन कैसे अप्लाई करें, तो आपको ज़्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको ज़्यादा यहाँ पर स्क्रॉल करके नेक्स्ट करके लास्ट करके करने की जरूरत नहीं पड़ी। बट इन फ्यूचर के लिए बता दूँ, मुझे नहीं पता कि आप इस वीडियो को कब देख रहे हो, कभी भी आप जब इस वीडियो को वॉच करो एजुकेशन लोन की कैटेगरी पे टाइप करो, और अगर आपको टॉप पे बाय चांस बैंक ऑफ इंडिया ना मिले तो आप एक काम कर सकते हो, मेन्यू बार पे जाके आप सिंपली सर्च के बटन पे बैंक ऑफ इंडिया एजुकेशन लोन सर्च करोगे, आपको डायरेक्टली वो कंटेंट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि डे बाय डे आर्टिकल्स आते रहते हैं, अपडेट्स होते रहते हैं, तो ऐसे केस में जो है आपको टॉप पे आर्टिकल्स मिले ना मिले श्योर नहीं हूँ। अब आपको क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया एजुकेशन लोन आपको सबसे ऊपर मिल चुका है, तो जैसे हम इसके कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो हमारा आर्टिकल है वो डिटेल में एक्सपांड हो जाएगा। अब क्योंकि आर्टिकल हमारा डिटेल में खुल चुका है तो आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि बैंक ऑफ इंडिया एजुकेशन लोन क्या है, इसका पूरा फीचर क्या है, पूरा प्रोसेस क्या है, इसकी क्या एलिजिबिलिटी, क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है, वो सभी के सभी यहाँ मिल जाएगी। और हाँ, एक चीज़ जो बहुत सारे लोगों को दिमाग में डाउट आता है कि ये सारी जानकारी इंग्लिश में है तो हम इसको कैसे समझेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इसको हिंदी के अलावा और भी भाषाओं में ट्रांसलेट करके पढ़ और समझ सकते हो, तो सारी जानकारी यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगी। और इसके अंदर दो चीज़ें, जैसे कि स्टडीज़ इन इंडिया और स्टडीज़ इन अब्रॉड, दोनों ही क्या इसके अंदर दोनों मेंशन है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टडीज़ रिलेटेड, क्योंकि एक तरीके का स्टूडेंट लोन ही हुआ एजुकेशन लोन के केस में, तो आपको मैं समझाना चाहता हूँ, तो वो आप जो है इस पहले आर्टिकल को पढ़ लो, और आर्टिकल को पढ़ने के बाद जैसे ही आप लोग जो है इस विजिट का लिंक आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब आपको सीधा लोन को अप्लाई करना है, तो विजिट के लिंक पर आपको सिंपली क्लिक करना है, जो सीधा आपको रिडायरेक्ट करेगा बैंक ऑफ इंडिया के एजुकेशन लोन के वेब पेज पर। यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, नीचे जाना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्टार एजुकेशन लोन स्टडीज इन अब्रॉड, इस पे जाना है, क्योंकि हमने इन इंडिया के ऊपर ऑलरेडी वीडियो दे रखी है, अगर नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखें। लर्न मोर के ऑप्शन में जाएंगे जो सीधा यहां पे आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बेनिफिट्स है, क्या चीज़ें हैं, वो सब चीज़ आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले यहाँ पे स्टार एजुकेशन स्टडीज़ इन इंडिया के जो अब्रॉड फीचर्स की बात करें, तो यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं है, कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं है, कोई क्वाल्टर सिक्योरिटी भी नहीं है। अप टू 7.50 लैक्स यानी कि 7.5 लाख रुपये तक के लोन पे तो एटलीस्ट नहीं है, और साथ ही में कोई मार्जिन नहीं है 4 लाख रुपये तक के लोन पे। फैसिलिटी ऑफ फीस पेमेंट है वो ऑनलाइन क्लासेस है एंड ईज फॉर फी पेमेंट वी आर पेमेंट गेटवे और टेक ओवर ऑफ लोन फैसिलिटी फ्रॉम अदर बैंक्स अवेलेबल, जो फीचर्स है वो आपके सामने यहाँ पे लिखी गई है। अब बताया जा रहा है कि लोन अमाउंट अप टू 150 लाख कैन बी कंसीडर्ड फॉर बोथ मेडिकल एंड नॉन मेडिकल कोर्सेज इन इंडिया, तो ये चीज ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि जो अमाउंट बताया जा रहा है वो आप सभी कोर्सेज के लिए समझ लें, यहाँ पे इसके सामने इसके सब्जेक्ट्स भी लिखे रहते हैं। क्वांटम ऑफ लोन यहाँ तक बात करते हैं, मैक्सिमम जो है वो बताया जा रहा है कि यहाँ पे 150 लाख तक है फॉर मेडिकल कोर्सेज एक्सक्लूडिंग नर्सिंग एंड नॉन मेडिकल कोर्सेज, बाकी यहाँ पे नीड बेस्ड फाइनेंस है, तो मैक्सिमम आप समझ चुके हो, बाकी इसके तो खैर बहुत ही अंदर में आप लोगों का जो है कोर्स का जो है लोन अमाउंट आ ही जाएगा, इसका 10 लाख 20 लाख 30 लाख ऐसे अमाउंट की आपको नीड पड़ती होगी।
अब एक बात का बहुत ज़्यादा ज़रूरी ध्यान रखना है, अक्सर लोग नहीं समझते कि जो हमें लोन मिल रहा है इस लोन को हम करें क्या। मतलब ये तो खैर पैसा मिलने के बाद लोग जो है अलग अलग चीज़ों में लगा देते हैं, लेकिन इसको एग्जैक्टली आपको खर्च कहाँ करना चाहिए वो समझ लो, आपके एक्सपेंस को कवर करने के लिए। जो कि आप अगर मान लो स्टडीज़ इन अब्रॉड कर रहे हो, तो उस केसेज में जहाँ पर भी आपका जो कॉलेज है उसकी जो है एनुअल फीस, स्कूल हॉस्टल उसकी फ़ीस देनी है आपको, उसके लिए यूज़ कर सकते हो। एग्जामिनेशन लेबोरेटरी फीस के लिए, किताबों को खरीदने के लिए, इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को खरीदने के लिए, ट्रैवल के एक्सपेंसिस के लिए, अगर कंप्यूटर लैपटॉप की जरूरत है तो उसको भी खरीद सकते हो, बट एक अच्छे खासे अफोर्डेबल रेट में। इसके अलावा क्या क्या कॉशन और डिपॉजिट, डिपॉजिट बिल्डिंग फंड, रिफंडेबल डिपॉजिट सपोर्टेड बाय इंस्टीट्यूशन रिसेट, इन सब चीज़ों के लिए आप कर सकते हो। तो ये हो गया है चीज़। अब अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो सीधा विद्यालक्ष्मी के ऑफिशियल वेब पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। इसके बाद जिनका यहाँ पे अकाउंट नहीं है उनको सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर के बटन पे जाना है, जहाँ पे आपको जो है यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आपको सिंपली फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के आप लोग यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। लेकिन हाँ, जब इस सारी चीज़ को फिल कर दोगे, कैप्चा कोड डाल दोगे, सबमिट कर दोगे, तो एक बार आपको अपनी ईमेल आईडी पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको एक टॉप पे मेल मिलेगा विद्यालक्ष्मी का, जहाँ पे आपको अपनी जो है इस अकाउंट को एक्टिवेट करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुली लॉगिन कर पाओगे। वो जब चीज़ें कर लोगे आप, तो लॉगिन के बस बटन पे जाना है, स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करना है, और क्योंकि आप लोगों का अकाउंट क्रिएट हो चुका है तो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के सिंपली लॉगिन कर लेना है। तो मैंने ये चीज़ कर ली है, तो मैं लॉगिन करके अब आपको आगे दिखाता हूँ। जैसे आप लोग लॉगिन कर लोगे, तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का वेब पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको मोस्टली तीन ही चीज़ करनी है, तीन से चार चीज़ करनी होगी। इसमें सबसे पहले आपको लोन का एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। इसके बाद जैसे एप्लीकेशन फॉर्म को भरोगे तो एप्लीकेशन का स्टेटस शो हो जाएगा। इसके बाद आपको जो है सर्च एंड अप्लाई फॉर लोन स्कीम्स पर जाना है, एंड वहाँ पर आपको किस जगह से कौन से ब्रांच से लोन चाहिए वो सब चीज़ें सबमिट करनी होगी। आइए आपको बारीकी से समझाते हैं। लोन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करोगे सबसे पहले, तो ये आपको सीधा जो है इस एक पेज पर ले आएगा, जहाँ पर आपके सामने आपको प्रोफाइल नेम दिख रहा होगा। और इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ 7 चीज़ें हैं जो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। सबसे पहले एक इंस्ट्रक्शन का पेज आता है, जहां पे आपको बताया जाता है कि आपको कौन कौन सी चीजें अपने साथ में रखनी है। इन 7 सेक्शन को पढ़ना होगा, और 7 सेक्शन में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए आप इसको पढ़ सकते हो। बाकी बेसिक इंफॉर्मेशन से शुरुआत करेंगे सबसे पहले, तो आप बेसिक इंफॉर्मेशन में आपको जो है कुछ बेसिक सवाल पूछना होगा कि आप जो हायर स्टडीज कर रहे हो वो इन इंडिया के लिए या अब्रॉड के लिए। तो जस्ट बिकॉज हम अब्रॉड के लिए बैंक ऑफ इंडिया का एजुकेशन लोन ले, तो इसके केस में आप जो है इस पूछ रहा है कि अगर आप हायर स्टडीज़ इन इंडिया के लिए कर रहे हो तो आपको नो करना है, ठीक है, क्योंकि आप जो है इंडिया के लिए करोगे तो ही आपको यस करना है। फिर पूछेगा आपके पेरेंटल इनकम जो सालाना है वो 4.5 लाख रुपए तक है, वो अगर है तो बता सकते हो, और अगर उससे कम है तो भी बता सकते हो, अगर उससे ज़्यादा है तो वो भी बता सकते हो, ऐसे अनु करके और उसका इनकम नंबर डाल सकते हो। बाकी यहाँ पे बताना है और भी जैसे टेक्निकल कोर्सेज या प्रोफेशनल में एडमिशन ले ऐसे ना, वो बताने के बाद आपको आगे बढ़ना है एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन की चीज़ों को भरना है। एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे जैसे मैंने वीडियो कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस एक ऐसा लोन है एजुकेशन लोन जिसके अंदर दो लोगों का इंपॉर्टेंट रोल है। जो स्टूडेंट लोन अप्लाई कर रहा है उसका 50% रोल होता है, उसी तरीके से जो उसके माँ बाप है उसका भी इस एजुकेशन लोन के अंदर होना बहुत ज़रूरी होता है, तो 50% रोल इनका भी है। ये दोनों ही एक इंपॉर्टेंट कड़ी हैं, अगर ये जुड़ेंगे तभी जाके एजुकेशन लोन कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे जो दो सेक्शन आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको स्टूडेंट का एक एरिया होगा, यहाँ पे एक पेरेंट या हस्बैंड का है, तो ये सेक्शन है। इस सेक्शन के हिसाब से आपको जो है ये स्टूडेंट का एरिया भरना है और पेरेंट्स को उनके एरिया को भरना है। जैसे स्टूडेंट का यहाँ पे पूछा रहा फर्स्ट नेम, तो स्टूडेंट भरेगा और फर्स्ट नेम यहाँ पे आपको जो है पेरेंट या हस्बैंड जो भी है वो आपको भरना है। इसी तरीके से इस डिटेल्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर बढ़ेंगे आप लोग प्रेजेंट बैंक का डिटेल्स में, तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपका प्रेजेंट बैंकिंग चल, जैसे मान लो हम बैंक ऑफ इंडिया में ही आपका जैसे अकाउंट है, तो ब्रांच का आईएफएससी कोड देना है स्टूडेंट के केस में भी, और अगर पेरेंट्स का भी सेम है या किसी और बैंक में है तो उसका आईएफएससी कोड देना है। इसके अलावा यहाँ पे आपको बैंकर वो डालना है, बैंक ब्रांच ये डालना है, अकाउंट टाइप चूज करना है, जैसे अकाउंट टाइप में आपका सेविंग अकाउंट हो सकता है, करंट अकाउंट हो सकता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट इंटरेस्ट लायबिलिटी है जो भी है, या एस सेविंग बैंक ओडी एसी नंबर, ये सब डालना है आपको। इसके बाद कोर्स डिटेल्स में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे दो तरीके से होता है, मेरिट या मैनेजमेंट कोटा, वो आपको चूज करना है जिसके अंदर आप आते हो। आपको फिर इंस्टीट्यूशन बताना है, किस इंस्टीट्यूशन में हो रहा है, किस कोर्स के लिए और कब से शुरू होगा और कब तक कंप्लीट होगा, वो सब चीज़ें बताने के बाद, इसके बाद कोर्स डिटेल्स को डालने के बाद आपको जो है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फाइनेंस डिटेल्स में यहाँ पे आपको चीज़ों को बताना होगा कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कोर्स और सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग क्या क्या है, ठीक है, उसकी डिटेल्स आपको बतानी पड़ेगी। एंड जो भी चीज़ें हैं वो आपको करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ पे आपको अपनी प्रूफ ऑफ एडमिशन, मार्कशीट, प्रूफ ऑफ इनकम, ये आपके फादर को, मदर को, उनको बेसिकली देना होगा। इसके शेड्यूल ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ द कोर्स एज गिवन बाय इंस्टीट्यूशन, वो आपको देना होगा। फॉर्म 16 जो लेटेस्ट है वो देना पड़ेगा, या आई टी रिटर्न से वो देना पड़ेगा। कॉपी ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, अंडरटेकिंग अगर आपके पास एब्सेंस ऑफ पैन कार्ड एंड आधार कार्ड इन द केस ऑफ दिस एप्लीकेंट, की फोटो जो आप हैं, पेरेंट्स की फोटो जो वो है, कोई एप्लीकेंट गारंटी फोटो उनकी डाल करके आपको टिक मार्क करना है, इसके बाद सेव करना है, तो आपका एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पे शो कर जाएगा। तो एप्लीकेशन स्टेटस जो फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे आपका जो है शो कर जाएगा। देन जैसे एप्लीकेशन स्टेटस शो करोगे तो वहाँ पे ऑप्शन आता है सर्च एंड अप्लाई फॉर लोन स्कीम्स का, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब सर्च एंड अप्लाई फॉर लोन स्कीम्स के अंदर जाओगे तो आपको एक ही काम करना है, और वो है यहाँ पे आपको जिस बैंक से जो एजुकेशन लोन फाइंड करना है उसका सर्च करना है। जैसे कि हमें बैंक ऑफ इंडिया से लेना है, तो बैंक ऑफ इंडिया डालेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने आ जाएगा बैंक ऑफ इंडिया का बैंक
ऑफ इंडिया स्टार एजुकेशन लोन स्कीम, और आपको पता है ये स्टार एजुकेशन लोन स्कीम के अंदर ही आता है, तो आपको सिंपली जो है इस पर टैप करना होगा और पूरी डिटेल्स इसके अंदर मिल जाएगी। जैसे कि आप देखते हो डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पे स्टडीज़ इन अब्रॉड भी आ चुका है, ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गई है। अब इसको अप्लाई करने के लिए अप्लाई के ऑप्शन पे आपको सिंपली जाना है और वहाँ पे ब्रांच लोकेटर में आप फाइंड कर सकते हो कि कौन कौन से, मतलब किस जगह के कौन से ब्रांच से आपको ये लोन लेना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपके लिए कंप्लीटेड हो जाएगी और काफ़ी आसान प्रोसेस है विद्यालक्ष्मी के पोर्टल से एजुकेशन ऑनलाइन अप्लाई करना। बाकी वीडियो कैसी लगी वो आप हमें जो है इस चैनल को यानी लोन पावर चैनल को सब्सक्राइब करके बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए देखते रहिए ऐसे वीडियोज़ को, कमेंट्स करके जरूर बताएं अगर आपको बैंक ऑफ इंडिया से और ऐसे रिलेटेड वीडियोज़ को देखना है तो।